फॉरएवर का हिंदी मीनिंग होता है हमेशा, सदैव के लिए, सदा के लिए, हमेशा के लिए। दोस्तों इसको एग्जाम्पल क्यों समझते हैं, वी कांट कीप फॉलिंग फॉर एवर यू नो। दोस्तों मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और उसकी माली हालत ठीक नहीं है, तो आप उसको बस समझा सकते हो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, वी कांट कीप फॉलिंग फॉर एवर यू नो, हम हमेशा के लिए नहीं गिर सकते आप जानते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल समझते हैं, आई कुड प्रोमिस टू लव हिम फॉर एवर, आई कुड प्रोमिस टू लव हिम फॉर एवर, मैं उसे हमेशा के लिए प्यार करने का दावा कर सकता था। तो आप किसी से प्यार करते हो और आप उसको प्रोमिस करना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाए, तो आप बाद में ये कह सकते हो कि आई कुड प्रोमिस टू लव हिम फॉर एवर, मैं उसे हमेशा के लिए प्यार करने का वादा कर सकता था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू।